बहुत सारे भालू दिखाई देंगे, शेर दिखाई देंगे, चीते दिखाई देंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है और उसमें आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको लड़ना है, आपको लड़ना है और आगे बढ़ते जाना है। कट 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 टू कट टू कट टू। अरे मेरा बाबू बाबू, इसीलिए कहते जिम करो, वेट लूज करो। जिम अब अब्बा नहीं माने। गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। Music. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we a vibe. It's been a while and such a ride, our stars align. Hey guys, welcome back to the series vlog. तो guys, रात के 2 बज रहे हैं और हमारा हर बार का प्लान ऐसे ही होता है कि हम रात में कहीं ना कहीं जाते वाते रहते हैं। और तो आज का प्लान है, हम जा रहे हैं स्कंदागिरी हिल्स ट्रैकिंग के लिए। तो अभी बहुत लोग तुम लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैं गया मनाली, मनाली खीरगंगा, खीरगंगा ट्रैक करके आऊँ, फिर सीधे नॉर्थ से साउथ में भी ट्रैक कर रहा हूँ। तो मतलब मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ कि नॉर्थ में मैंने ट्रैकिंग की और काफ़ी, वो तो 13,000 फीट था, वो सब व्लॉग में आएगा। भले घर से कितना भी गाली पड़े, भाई को ट्रैकिंग करनी है, ये मानेंगे नहीं अपने। तो गाइस ये जैसा मैं हर बार व्लॉग में बताता हूँ, ये रहते हैं दूसरे हॉस्टल में पर आ जाते हैं हमारा हॉस्टल में, क्या करें, रहा नहीं जाता इनको, तड़प ही ऐसी है। तो ये गाइस इसको भी निकलना और मतलब हमारे साथ, और हमें 2 बजे निकलना था तो इसके हॉस्टल में उतना अलाउ नहीं होता उतनी रात में। तो ये हमारे हॉस्टल में आ चुका है हर्ष और हम सब अभी तैयार होंगे और सीधे निकलेंगे स्कंदागिरी हिल्स के लिए। तो टोटल मिला के 11 लोग जा रहे हैं। और एक बात और, यहाँ से स्कंदागिरी हिल यार 57 किलोमीटर दूर है, तो मतलब 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे अगर आप जाओगे कार वार से। तो ठीक है यार, मतलब जब जाना तो देख लेना, देखते हैं क्या होगा और मैं सब कुछ दिखाने की ट्राई करूँगा। और तो चलो तैयार होते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वी आर रेडी और हम निकलने के लिए पूरे तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग ने टाइम लैप्स देख लिया होगा, टाइम लैप्स में आप लोग ने देखा कि कौन लोग क्या कर रहे थे और मैं नहीं बताऊंगा आगे। और ये सब तैयार हो चुके हैं, देख सकते हो गाइस, मतलब आप देख रहे होगे ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, ये लग रहे हैं लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, शादी में बारात में जा रहे हैं। तो आ गई है हमारी गाड़ी, चले क्या अंदर, चलो। हेलो फ्रेंड्स, हाय हाय गाइस, हाय गाइस, तेरा एंट्री नहीं है जा। हमरा के चुतिया बनावे गोरिया, बस गाइस पहुंच चुके हैं और अब निकलते हैं स्टूडियो। गाइस यो यो यो, ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर यो। सो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं और लाइटिंग की कमी के कारण हम अपना एलईडी लेके चलते हैं साथ में, कभी भी कुछ हो जाए तो यू कैन सी। गाइस पता नहीं किधर आ गए हैं, बस अभी चले जा रहे हैं। एज आप देख सकते हैं रात के 4 बज रहे हैं, तो आपको सनराइज देखने के लिए जल्दी आना पड़ेगा, इसलिए आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको टॉर्च होना चाहिए, तो हम टॉर्च लेके चल रहे हैं। तो मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगा, सनराइज होने के बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू करता, तो ठीक है लेट्स गो। सो गाइस इधर अभी टिकट उकट का चेकिंग हो रहा है ऐसा गाइस। सो गाइस हमने गलती कर दी, ये हमारे हम हुडीज पहन के आ गए और बहुत गर्मी लग रही है हमें। तो सेठ जी कैसा लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा है डरावना है जंगल, तो आप अकेले बिल्कुल ना आए, ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप अकेले आए। और लाइटिंग की कमी के कारण हमें 3-3 जगह से फ्लैश, आप देख सकते हो हमारा बजट कितना हाई है कि हर जगह से लाइटिंग आ रही है, हर एंगल से लाइट आ रहा है। तो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं बाकी टीम मेंबर्स का, मैं मोहन और अमित और गार्गी आ चुके हैं, बाकी अभी सब आ रहे हैं। हर्ष थोड़ा सा ऊपर और चल ले। हर्ष कैन यू हियर मी? ओशो हां बोल, ऊपर आ जाओ। आ रहा हूं भाई। ये दिस इज द ट्रैकिंग गर्ल।
ट्रैकिंग गर्ल ये हमारे तरुण भाई। चलो चलो आगे उड़ो। अरे इतनी जल्दी थक गए तुम लोग? हम थके नहीं, हम तो तुम्हारे लिए रुके हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं। चलो भाई हम लोग आ गए। अरे मार गया। अभी तो एक डेढ़ किलोमीटर हुआ होगा आई थिंक। ठीक है सर, रुक के कर लेंगे यार, चढ़ेंगे। पानी वानी पीने के लिए रुके हैं, मतलब रुके क्या है ये हर्ष के लिए रुके हैं, नहीं तो हम तो अभी तक पहुंच गए होते। हम पहुंच के लौट भी आते हैं, बट हर्ष पानी दे, पानी से बढ़ के क्या, हर्ष से बढ़कर कुछ नहीं है। हर्ष बोलेगा तो यहीं से लौट चलेंगे। नहीं भाई नहीं लौटना फिर तो। सो गाइस लोग ब्रेक लेते हैं पानी और चाय पीने के लिए, और हम किस लिए ब्रेक ले रहे हैं? मनु काला चश्मा इधर ही ना। तो तेज दावे इधर से आपको ऐसे आना है और ऐसे ही जाना है, और ऐसे ही आपको रास्ता मिलेगा। तो काफ़ी ठीक ठाक है, गार्गी रेस्टिंग एंड ऑल सब पहन लिए। काफ़ी ठंडी लग रही है तो मैं भी जा रहा हूँ हुडीज पहने, और अब आपको दिखाएंगे अच्छे से ट्रैक, क्योंकि अब हो गया उजाला और अभी सनराइज नहीं हुआ है, और आई होप दिखा सकूँ। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है गाइस, पूरा ऑक्सीजन आ रहा है। आप अपना पानी का बॉटल वॉटल सब लेके आना, मस्ती से चढ़ना है। काफ़ी जंगल से भरा हुआ रास्ता है ये, और काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा ट्रैक करने में। सो गार्गी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ऑसम ऑसम, और सबकी फट चुकी है। ऐसे घने जंगल में आपको आना बिल्कुल असुरक्षित है, सुरक्षित है दादा। अनसेफ है, तो आप अब गाइडेंस के साथ आइए, जैसे हम बिना गाइडेंस के साथ आए। दिखाओ दिखाओ और दिखाओ हम। माहौल काफी अच्छा है, यू शुड विजिट दो। क्या भाई थक गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर्ष वी कैन डू इट टुगेदर, कम ऑन। थोड़ा सा और बचा है गाइस, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। तरुण एंड हर्ष अभी भी आ रहे हैं। क्या मुन्ना कहाँ से आ रहे हो? तरह के भी रास्ते आपको मिलेंगे, और कितना अच्छा लग रहा है आपको, ये देखो पूरा ट्री। आ जाओ पहुंच गए हर्ष। सो गाइस फाइनली टॉप पे पहुंच चुके हैं, और अभी सनराइज नहीं हुई है तो पूरा क्लाउडी क्लाउड है, इसलिए थोड़ा बहुत फॉगी फॉगी सा वेदर है, आपको दिखने का आप देख सकते हो। हाँ यार, तुम्हें को रियलाइज हुआ एडिट करते वक्त कि स्कंदागिरी का जो व्लॉग था वो काफ़ी बड़ा बन चुका था, मतलब मेरी दो बैटरी उसमें पूरी ड्रेन हो गई। तो मैं सोचा था कि एक ही वीडियो में बना दूंगा पूरा ट्रैकिंग, बट मैं जब एडिट करने गया तो मेरे को पता चला इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो बनी है, और इतने अच्छे शॉट्स मैंने लिए, इतने अच्छे अच्छे कि मैं उसको कट भी नहीं कर सकता यार। तो इसी तरह से इसका पार्ट टू आएगा, जिसमें हम अभी तो इस वाले वीडियो में हमने सिर्फ चढ़ाई की है और अभी टॉप पे पहुँचे हैं। सेकेंड वीडियो में टॉप पे क्या हुआ और वहाँ पे भी इतने अच्छे अच्छे शॉट्स मैंने लिए। फिर नीचे उतरते वक्त तो पूरा डे लाइट आ गया था, मतलब काफ़ी अच्छी लाइट आ गई थी, क्लाउड्स हट गए थे, जो फॉगी वेदर था वो हट गया था, जिसकी वजह से मुझे और अच्छे अच्छे शॉट्स लेने का मौका मिला, और वो सब सेकेंड पार्ट में आने वाला है। तो बस स्टे ट्यून्ड टू सेठजीज़ व्लॉग, और पार्ट टू का इंतजार करो। पार्ट वन में इतने सारा प्यार दो कि मेरे को पार्ट टू जल्दी से मैं रिलीज़ कर दूँ। अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, कॉलेज व्लॉग्स बनाता हूँ, डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाता हूँ, टूर व्लॉग्स बनाता हूँ,
और किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ, मेरे को जिस टाइप के ब्लॉग मिलते हैं मैं उस टाइप के ब्लॉग बनाने का ट्राई करता हूँ। तो बस यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो सेठ जी ब्लॉग में, और स्वागत है आप सबका सेठ जी ब्लॉग में। बस चलते, बाय बाय।